सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी हम देखते हैं। कस्टर्ड ना, 1 लीटर हम फुल क्रीम दूध लेंगे, 3 टेबल स्पून लेंगे हम चीनी। चीनी हम कम लेंगे क्योंकि फ्रूट पहले से मीठा होता है। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी आप और ले सकते हैं। तो हम 3 टेबल स्पून चीनी लेंगे, 3 टेबल स्पून लेंगे हम कस्टर्ड पाउडर, 1 खरबूजा लेंगे, आम लेंगे, पाइनएप्पल लेंगे, केला लेंगे और अनार लेंगे। ये मैंने अपनी पसंद के फ्रूट लिए हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद के भी फ्रूट डाल सकते हैं, बट आप तरबूज ना डालें। कस्टर्ड में हम तरबूज नहीं डालते क्योंकि तरबूज पानी छोड़ देता है, तो आप कस्टर्ड में तरबूज ना ही डालें तो अच्छा है। एक हम गंज लेंगे और गंज में हम ये फुल क्रीम दूध डाल देंगे और थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे। ये इतना दूध हम बचा लेंगे ये कस्टर्ड घोलने के लिए। इसी में हम ये चीनी डाल देंगे। और हम इसे पहले दूध को चला लेंगे और इसे खौलाने तक हम पकाएंगे। अब ये जो कस्टर्ड है इसे हम ये दूध डाल के इसी तरह हम इसे घोल लेंगे। इसे हम अच्छी तरह घोलेंगे क्योंकि इसमें गुठली बिल्कुल ना रहे। इसे हमें जब तक घोलना है जब तक इसमें एक भी गुठली ना रहे। ये देखिए एक कस्टर्ड अपना घुल गया है। जब अपना ये दूध पक जाएगा उसके बाद हम ये कस्टर्ड इसमें डालेंगे। दूध में देखिए खोल आ गया है, अब हम इसमें ये कस्टर्ड डालेंगे और इसे हम धीरे धीरे डालेंगे और चम्मच को हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे बस। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छी तरह पका लिया है और ये कस्टर्ड भी अपना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आपका कस्टर्ड कभी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें फ्रूट मिलाएंगे। ये कस्टर्ड अच्छा ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। हम ये आम डालेंगे, ये केले डाल देंगे, इसी में हम ये पाइनएप्पल डाल देंगे, इसी में हम ये खरबूज डाल देंगे और इसी में हम ये अनार डाल देंगे। थोड़े अनार हम बचा के रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये ठंडा किया हुआ कस्टर्ड इसमें हम डाल देंगे। और इसे हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये सारा फ्रूट और कस्टर्ड अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये ऊपर से अनार डाल देंगे।
लीजिए, बहुत ही ठंडा, बहुत ही उम्दा ये गर्मियों का डेजर्ट हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं। लीजिए, ये ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।